दोस्तों, स्कूलों में छात्रों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जीवन में अनुशासन के महत्व को भी सिखाया जाता है। सिखाने की इस प्रक्रिया में कई बार टीचर्स को छात्रों के साथ सख्ती से भी पेश आना पड़ता है। छात्रों के साथ कितनी सख्ती बरतनी है ये टीचर्स को बखूबी मालूम होना चाहिए, लेकिन कभी कभार यही टीचर्स छात्रों पर सख्ती बरतने की अपनी हद पार कर देते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल में होमवर्क न करने की सजा के लिए आमतौर पर टीचर्स द्वारा बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता है या फिर हाथ खड़े करवा दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीचर्स द्वारा बच्चों को दी गई कुछ ऐसी खौफनाक सजाओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह जरूर कांप उठेगी। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। टीचर बनी बालों के दुश्मन। 2015 के ओस्लो शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को शिक्षा के मामले में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में वर्णित किया गया था। हालत यहाँ तक खराब है कि बच्चे ज्वालामुखी के चित्र को देखकर कहते हैं कि पहाड़ का चित्र है। शायद इन्हीं बातों के चलते पाकिस्तान के शहर चिनियोट में एक गुस्साई टीचर ने बच्चे को तालिबानी सजा दे दी। चिनियोट के स्कूल टीचर ने सबक याद करके न आने वाले बच्चे के सिर के बाल कटवा दिए और बच्चे का कहना था कि वो साइंस के इस टीचर के सामने काफी गिड़गिड़ाए कि ऐसी सजा न दी जाए, लेकिन टीचर ने उनकी एक न सुनी और तकरीबन 15 छात्राओं के बाल काट डाले। और साथ ही इस बात की धमकी भी दी गई थी कि अगली बार सबक न याद करके आने के तौर पर पूरा मुंडन करा दिया जाएगा। अश्लील सजा देने वाली टीचर। दोस्तों, फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। यहां समाज में भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखने वाली टीचर ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे जानकर आपका खून जरूर खौल जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सोनभद्र के स्कूल में होमवर्क पूरा नहीं करने पर कक्षा 8 की छात्राओं को एक शर्मनाक सजा सुनाई गई। यहाँ छात्राओं को पहले तो मुर्गा बनाया गया, फिर उनका स्कर्ट उतरवाकर उन्हें पूरे स्कूल में घुमाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न सिर्फ इन छात्राओं को अपना स्कर्ट उतारकर स्कूल में घूमना पड़ा बल्कि इस दौरान पीड़ित छात्राओं की तस्वीरें भी ली गईं। और इस घटना की सूचना जब अभिभावकों को मिली तो स्कूल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस पूरे मामले के जिम्मेदार प्रधान अध्यापिका का कहना था कि जितना आरोप अभिभावक लगा रहे हैं बात इतनी बड़ी नहीं है, और रही बात दंड देने की तो उनके अच्छे भविष्य के लिए ऐसा किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद हंगामा बढ़ता देख आरोपी शिक्षिका को स्कूल से निकाल दिया गया। नमाज नहीं पढ़ने की खौफनाक सजा। बांग्लादेश में साल 2010 से ही स्कूलों में शारीरिक प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कानून सभी मदरसों पर भी लागू होता है। लेकिन इसके बावजूद 2012 के दरमियाना ढाका के एक मदरसे में अरबी और बंगाली भाषा पढ़ने वाली छात्राओं के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। यहाँ तकरीबन 14 छात्राओं के पाव लोहे की छड़ से जलाए गए और इन सभी बच्चियों की उम्र 8 से 14 साल के बीच थी। 8 साल की छात्रा फिरदौसी अख्तर ने बताया कि छुट्टियों के बाद ही हमारे मदरसे का पहला दिन था। हमारी टीचर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई कि हमने छुट्टियों के दौरान नियमित रूप से नमाज नहीं की। और इस छात्रा के मुताबिक इसके बाद टीचर ने अपने नौकर से लोहे की छड़ को गर्म करने को कहा और फिर वो गर्म छड़ हमारे पैरों में दागे गए। और टीचर ने छात्राओं से कहा कि अगर वो नियमित रूप से नमाज नहीं करेंगी तो उन्हें ऐसा ही दर्द सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप ही हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं कि आखिर ऐसे टीचर्स को कैसी सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।